नमस्कार, मैं हूं फरहान और एसपीएन 9 के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में एक खलबली मची हुई है। बयान नहीं दे पा रहे हैं, बयान दे भी रहे हैं तो उल्टे सीधे दे रहे हैं। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी फंस चुकी है अपने ही चाल में, अपने ही पैतरे में, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के नेता फंस चुके हैं, अब उनको प्रेस वार्ता करना भी असंभव लग रहा है। उन्हें लग रहा है कि प्रेस वार्ता में वह क्या जवाब देंगे। जहां एक ओर नरेंद्र मोदी अभी खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं इस विधेयक को लेकर के, कोई बयान नहीं दे रहे हैं, ना अमित शाह कोई बयान दे रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के बयान आए हैं, लेकिन उनके बयान बड़े ही बेतुके लग रहे हैं। चाहे आप राजनाथ सिंह का बयान ले लीजिए, जिस तरह उन्होंने अमेरिका में 2+ वार्ता के दौरान कहा कि इस कानून के जरिए किसी भी धर्म को निशाना नहीं बनाया जा रहा है, जबकि अमेरिका के खुद सांसद कह चुके हैं कि धार्मिक रूप से खंडित होता दिखाई दे रहा है भारत। अब यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में कशमकश है कि वह क्या करेंगे आने वाले समय पर, किस तरह के भाषण दें। इस दौरान कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का भी एक बयान आया है जो कि आलोचनाओं के घेरे में आ सकता है। बयान बेतुका है, बचकाना बयान है, आलोचनाओं के घेरे में ना भी ले तो वह खुद हास्यास्पद हो जाता है बयान, खुद वह उसकी हंसी उड़ाई जाने लगेगी। रविशंकर प्रसाद ने जी न्यूज़ के एक कार्यक्रम में यह कहा कि यह जो कानून है यह इसमें मुसलमानों को किसी प्रकार की भी क्षति नहीं होगी, किसी भी मुस्लिम को भारत से बाहर नहीं भेजा जाएगा। यदि हम इसका विश्लेषण करते हैं इस बयान का, तो यह बिल्कुल बेतुका बयान ही साबित होता है। जिस तरह कहा गया है NRC को लेकर कहा गया है कि सबको स्पष्ट करना होगा कि वे भारत के नागरिक हैं या नहीं हैं। 1971 का जो प्रावधान था उस दौरान, उस प्रावधान के हिसाब से यह साबित करना होगा कि 1971 के पहले आप भारत में आ चुके थे या नहीं आ चुके थे। वह दस्तावेज आपको पेश करने होंगे जो यह साबित करते हैं कि 1971 के पहले आप भारत के नागरिक हो चुके थे, उसके बाद आप भारत में नहीं आए हैं। तो यह इस संबंध में हम बात करते हैं, इसका स्पष्टीकरण करते हैं। तो रविशंकर प्रसाद का यह बयान बेतुका है, क्योंकि NRC के दौरान तो चाहे वह हिंदू हो या मुस्लिम हो, उसको तो पहले अपनी नागरिकता ही साबित करनी है। फिर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दी गई एक सूचना थी और जो नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर या NRC को लेकर के जो बातें स्पष्ट की गई थी, उसमें तो यही था कि उसमें हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई आदि धर्मों को यहाँ नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन यदि जो मुसलमान यहाँ पर नागरिकता स्पष्ट नहीं कर पाता है 1971 से पहले, तो उसको तो बांग्लादेश जाना होगा। बांग्लादेश यदि उसको कबूल नहीं करेगा तो वेंटिलेशन सेंटर में उनको रहना पड़ेगा। तो रविशंकर प्रसाद किस आधार पर यह बयान दे रहे हैं, किस तरह का लॉलीपॉप यह थमा रहे हैं? क्या रविशंकर प्रसाद सिर्फ एक राजनीति कर रहे हैं, या फिर बयानों में फंस गए तो एक बयान उन्हें देना पड़ गया? तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी अब फंसे हुए नजर आ रहे हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि उनके बयान बेतुके लग रहे हैं, चाहे वह नितिन गडकरी हो, चाहे वह राजनाथ सिंह हो, अब रविशंकर प्रसाद भी इसकी फेरिस्त में आ गए हैं। जिस तरह वह कह रहे हैं कि मुसलमानों को किसी प्रकार का कोई इस पर नुकसान नहीं होगा, तो क्या भारतीय जनता पार्टी नेताओं को आड़े हाथों लेगी? या फिर नरेंद्र मोदी ने ही कहा है कि जो समझ में आ रहा है इस वक्त वही बयान दे देना चाहिए? तो इस संबंध में आपकी राय महत्वपूर्ण है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा, नमस्कार।